नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एज में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और जिस भी एग्ज़ाम में अंग्रेजी आती है उसमें कम से कम 2 या 3 मार्क्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते ही हैं। तो इस पोर्शन को आपको ध्यान से करना है और ये एक याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो मैं चाहूँगा इसमें आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला शब्द है थीस्ट। देखिए, थीस्ट शब्द बना है इंग्लिश के रूट वर्ड थियो से, जिसका मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, गॉड से संबंधित किसी भी शब्द में, यदि मान लो जैसे कि ये है थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है हिंदी में आस्तिक। मैं लिख देता हूँ हिंदी में जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आस्तिक मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक या थीस्ट। इसका बिल्कुल विपरीत शब्द होता है अथीस्ट। अथीस्ट मतलब ये वो व्यक्ति है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता। ठीक है, और एक व्यक्ति होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जो ना तो थीस्ट है और ना ही अथीस्ट, मतलब ये कहता है कि मैं भगवान को ना ही मानता हूँ ना ही उनका निरादर करता हूँ, मतलब इसको पता नहीं है कि भगवान है या नहीं। ठीक है, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, अ पर्सन, ये गलती से लग गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इसमें भी देखिए आप, वर्ड रूट थियो है, मतलब ये कुछ रिलेटेड टू गॉड है, और क्रेसी मतलब होता है सरकार। तो ऐसी सरकार जो कि रिलीजियस लीडर्स द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। अगला वर्ड है सुसाइड। देखिए, साइड मतलब होता है, साइड मतलब टू किल, किसी को मारना, इसको बोलते हैं साइड। तो सुसाइड को क्या है, मतलब जो व्यक्ति खुद की हत्या करे। मर्डर ऑफ वन सेल्फ मतलब आत्महत्या। आत्महत्या को इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। अगला है फिटी साइड। फिटी साइड, साइड मतलब हत्या और फिटी मतलब होता है भ्रूण, मतलब मर्डर ऑफ फिट, मर्डर ऑफ फिटस। भ्रूण क्या होता है, जो गर्भ में बच्चे को मार देते हैं उसको बोलते हैं फिटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर किसी बच्चे को मार देना, इसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। पैट्रीसाइड मर्डर ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या करना, ऐसी घटना को क्या बोलेंगे, पैट्रीसाइड। अगला है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेटरीसाइड मतलब होता है ब्रदर। देखिए, फ्रेटरी एक वर्ड होता है फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा। मतलब फ्रेटरीसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, कोई अपने भाई की हत्या कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्रेटरीसाइड। जेनोसाइड मतलब किसी प्रजाति की हत्या कर देना, किसी पूरी भीड़ की हत्या कर देना, पूरे नरसंहार कर देना, जैसे कि हिटलर ने कराया था, इसको बोलेंगे जेनोसाइड। मर्डर ऑफ अ रेस, रेस मतलब होता है प्रजाति। अगला वर्ड है मैट्रीसाइड। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, मैट्री मतलब मदर, मतलब अपनी माँ की हत्या करने वाली घटना या मैट्रीसाइड कहलाएगी। ठीक है, अगला है पेरीसाइड। पेरी मतलब पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स की हत्या कर रहा है वो व्यक्ति है पेट्रीसाइडर, मतलब पेट्रीसाइड की घटना कौन सी है, अपने पेरेंट्स की हत्या करना, पेरिसाइड। अगला वर्ड है उगजोरी साइड। वाइफ को बोलते हैं उगजोरी, तो जो अपनी वाइफ की हत्या करता है उसको बोलेंगे उगजोरी साइड। सोरोरी साइड, सोरोरी मतलब सिस्टर, सिस्टर की हत्या करना, सोरोरी साइड कहलाता है। रेजी साइड होता है कोई राजा या रानी की हत्या कर देना, जैसे कि इतिहास में आपने देखा होगा कोई भी राजा, उसका मंत्री या फिर नीचे स्तर का जो अधिकारी होगा अपने राजा की हत्या कर देगा और खुद ही गद्दी हथिया लेता है, इस घटना को क्या बोलेंगे, रेजिसाइड, मर्डर ऑफ अ किंग और क्वीन। अब सेमेट्री क्या होता है, सेमेट्री वो जगह होती है जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, अ ग्रेव यार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड, हम इसको शमशान घाट भी बोलते हैं हिंदी में। अगला है मॉर्चुअरी, ये वो प्लेस होता है जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रखा जाता है। अब देखिए, इंग्लिश में आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब होता है गवर्नमेंट या सरकार। तो
एनआरकी क्या है? एनआरकी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहां पर गवर्नमेंट नहीं है उसको बोल देंगे एनआरकी, जहां चारों तरफ अफरा तफरी है, तो ये है एनआरकी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगला शब्द है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो क्या है? नोबल्स या लॉर्ड्स। नोबल्स कौन है? जो ही कुलीन परिवार से हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उनके द्वारा यदि गवर्नमेंट चलाई जाती है तो इस गवर्नमेंट को बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। आपको ये वर्ड याद रखना है कि एरिस्टो का मतलब होता क्या है। तो एरिस्टो मतलब होता है नोबल्स या लॉर्ड्स या कुलीन व्यक्ति, जो बहुत बड़े परिवार में जन्म हुआ हो या फिर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बोलेंगे एरिस्टो। और क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। देखिए आर्क मतलब भी गवर्नमेंट और क्रेसी मतलब भी गवर्नमेंट, तो जहाँ भी क्रेसी या आर्क आ जाए मतलब समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। अब देखिए नाम से स्पष्ट है क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। देन ऑटो मतलब वन या एक, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, मोनोक्रेसी भी बोल सकते हैं। मोनो मतलब भी होता है एक और ऑटोक्रेसी, ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, अगला शब्द है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी क्या है? जैसे कि हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कॉलेज होते हैं ऑटोनॉमस। ठीक है, ऑटोनॉमस मतलब वो अपनी एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स और बाकी जो भी गतिविधियां होती हैं स्वयं करा सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर, मतलब स्वशासन, जो खुद ही अपने नियम बना सकते हैं और रन करा सकते हैं, वो सब क्या है, ऑटोनॉमस। तो उसी से बना है ऑटोनॉमी, मतलब द राइट, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार है जिसके पास, वो है ऑटोनॉमी। अगला शब्द है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। अब देखिए ऑफिशियल्स क्या है, जो हमारे यहाँ बाबुओं का तंत्र होता है, नौकरशाही बोलते हैं इसको, कि एक के अधिकारी के ऊपर अगला है, अगले के ऊपर कोई और शासन कर रहा है। इस जो व्यवस्था को हमने जो बनाया है ये है ब्यूरोक्रेसी, और जो वहाँ पे काम करते हैं उनको क्या बोलेंगे, बाबुओं को, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आपको आई थिंक पता होगा, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। क्रेसी मतलब सरकार, डेमो मतलब देखिए गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। अगला शब्द है जेरेंटोक्रेसी। देखिए जेरेंटो मतलब क्या होता है, वृद्ध या ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन या वृद्ध व्यक्तियों द्वारा जो शासन होता है वहाँ की गवर्नमेंट को बोलेंगे जेरेंटोक्रेसी। अगला वर्ड है न्यूक्रेसी। न्यू देखिए न्यू मतलब आपको लग रहा हो न्यू, समथिंग रिलेटेड न्यू, तो गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पी पर्सन, मतलब जिनको उतना उनके पास कुछ अनुभव नहीं है, जो नए हैं, जो नए व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है, वो है न्यूक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ओक्लोक्रेसी। ओक्लो मतलब होता है भीड़, आपको ये वर्ड याद रखना, भीड़ या मोब। मोब मतलब भी आपको पता होना चाहिए भीड़, क्योंकि ऑप्शन में यदि दिया होगा गवर्नमेंट बाय मोब, यदि आपको मोब का मतलब नहीं पता तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो आपको मोब का मतलब भी पता होना चाहिए कि मोब और ओक्लो एक दूसरे के सिनोनिम है। ओक्लो मतलब और मोब मतलब होता है भीड़। ठीक है, ओलिगार्की। अब देखिए ओलिगो, ओलिगो मतलब होता है कुछ कुछ या कम, तो गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन, कुछ लोगों द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको बोलेंगे ओलिगार्की। अगला वर्ड है प्लूटोक्रेसी। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, प्लूटो मतलब रिच। अब देखिए प्लूटो का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ये है रिच, तो जो धनी व्यक्तियों द्वारा सरकार चलाई जाएगी उसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है जहाँ पर रिलीजियस नियमों के द्वारा सरकार नहीं चलाई जाती, तो हमारा इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, तो गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पर जहाँ सरकार नहीं चलाई जाती, सारे धर्मों को एक समान माना जाता है, वह ये क्या है, ऐसी व्यवस्था को बोलेंगे सेकुलर। देन थियोआर्की। अब देखिए इसमें भी समथिंग रिलेटेड टू गॉड। थियो मतलब मैंने बताया था पहली स्लाइड में कि गॉड, जो भगवान से कुछ भी रिलेटेड है, थियो एक वर्ड ये है, तो गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, मतलब भगवान द्वारा, भगवान के जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा, पॉप
ये फ्रांस वगैरह में जो पॉप होते हैं ना, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उनको बोलेंगे थियोआर्की। एंड अगला है थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोगेमी। अब आप देखिए वर्ड को घूरिए, वर्ड को आपको ध्यान से घूरना है, और मान लो आपको कुछ पता भी नहीं है, आपने नहीं भी पढ़ा, तो आप गैस कर सकते हैं एटलीस्ट कि उसका मतलब क्या होगा। मैंने बताया था मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक या वन। ठीक है, अब वन जहाँ जिस ऑप्शन में वन से कुछ दिया हो, मतलब वन से रिलेटेड कुछ हो, आप उसको लगा सकते हैं। जैसे ये दिया द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक समय पे एक शादी करना, ऐसी प्रथा को क्या बोलेंगे, मोनोगेमी। अब देखिए हम हमें ये याद रखना है, गेमी मतलब होता है शादी। ठीक है, गेमी मतलब होता है शादी, तो मोनोगेमी क्या हो गया, जो एक शादी करे वो है मोनोगेमी। ठीक है, बाई मतलब आप सबको पता है दो होता है, गैमी मतलब होता है शादी, बाईगैमी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स, दो पत्नी या दो हस्बैंड, मतलब मेल भी शादी कर सकता है दो एक एक टाइम पे, और एक फीमेल भी कर सकती है, तो बाईगैमी दोनों के लिए है। या तो वो कोई मेल होगा तो दो वाइव्स रख सकता है, या कोई फीमेल है तो दो हस्बैंड भी रख सकती है एक समय पे, तो ऐसी प्रथा को क्या बोलेंगे, बाईगैमी। अगला है पॉलीगैमी। अब देखिए पॉलीगैमी क्या है, जैसे मैथ्स में होता है पॉलीगन, पॉलीगन मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, तो बहुत सारी मतलब बहु, बहुत सारी, जो गैमी मतलब शादी, जो बहुत सारी शादी करे, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय पर बहुत सारी वाइफ रखे या हस्बैंड रखे, दोनों रख सकते हैं, तो इस प्रथा को बोलेंगे पॉलीगैमी। अगला वर्ड है पॉली एंड्री। ठीक है, जैसे कोई मेल बहुत सारी वाइफ्स रख सकता है, वैसे ही कोई ऐसा भी संभव है कि कोई फीमेल जो है बहुत सारे हस्बैंड रख रही है, तो ऐसी प्रथा को क्या बोलेंगे, पॉली एंड्री। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड, जैसे महाभारत में द्रौपदी के पांच हस्बैंड थे, तो वो क्या था, उसने किया था पॉली एंड्री। अगला शब्द है मिसोगैमिस्ट। अब देखिए गैमी मतलब मैंने बताया था शादी, मिसो मतलब एक नेगेटिव है, जहाँ भी मिस आ जाए मतलब कोई नेगेटिव वर्ड है, मतलब नफरत, मतलब जो शादी से नफरत करे, वन हु हेट्स मैरिज, मिसोगैमिस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है एडल्टरी। एडल्टरी क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, हम इसको बोलते हैं हिंदी में बड़ा ही अच्छा शब्द है व्यभिचार, मतलब जो शादी के बाद भी बाहर अपने फिजिकल रिलेशन रखता है दूसरे लोगों के साथ, तो उसे ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एडल्टरी करना। ठीक है, एलिमनी क्या है, देखिए तलाक के बाद जो पति पत्नी को कुछ गुजारा भत्ता जो देता है, जो राशि देता है, उसको बोलते हैं एलिमनी, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, तलाक के बाद जो पेड की जाती है राशि या अलाउंस या भत्ता, उसको बोलेंगे एलिमनी। अगला शब्द है सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या है, मतलब शादी ना करना, अ स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्रह्मचर्य, शादी की अवस्था से बाहर, ब्रह्मचर्य। अगला वर्ड है मैट्रिमनी, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, जैसे आपने सुना होगा मैट्रिमनी साइट, मतलब शादी कराने वाली साइट्स, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। अगला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। देखिए ये वर्ड बड़े ही रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही आसान है। ओमनी मतलब होता है ऑल, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, जो सब जगह व्याप्त है, ऐसा कौन है, और ये तीनों वर्ड भगवान के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जो सर्वव्याप्त है, कण कण में है, हर व्यक्ति में है, वो कौन है, भगवान है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड। ओमनी पोटेंट, ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब होता है शक्ति या पावर, ऑल पावरफुल मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है वो कौन है, भगवान है, गॉड। और ओमनी साइंट, ओमनी मतलब ऑल, और सीन ये इसका मतलब होता है, साइंट मतलब जानना, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, वो कौन है, वन हु नोज ऑल,
अगेन गॉड, जो सब कुछ जानता है, जो सर्वव्याप्त है भगवान, जो सब सर्वशक्तिमान है वो भी है गॉड, और ओमनीसेंट, वन हु नोज ऑल एवरीथिंग, वो है भगवान। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। देखिए दो वर्ड होते हैं, जो एक तो होता है एक व्यक्ति बहुत ही आशावादी होगा, हर चीज़ में जो है रास्ते ढूंढ लेगा, उसकी सोच हमेशा उसके लिए सकारात्मक पहलुओं की तरफ होगी। ऑप्टिमिस्ट, जैसे वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, हर चीज़, हर रास्ते, हर काम में वो क्या ब्राइटनेस ढूंढ लेगा, सब जगह, सब चीज़ में जो सकारात्मक पहलू से सोचेगा वो कौन है? ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, चीज़ों के जो ब्राइट साइड देखता है वो है ऑप्टिमिस्ट। और एक इसका बिल्कुल उल्टा व्यक्ति होगा पैसिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों के हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देगा वो है पैसिमिस्ट। और अब है इंट्रोवर्ट, और एक और वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट कौन है? वन हु डज नॉट एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ फ्रीली, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, जो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, लोगों अपनी भावनाओं को अंदर ही रखता है, और जो बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को, वो है इंट्रोवर्ट। और एक व्यक्ति होगा बाहर बहिर्मुखी, जो लोगों से मिलेगा, उनसे बातें करेगा, अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करेगा, बहुत ही मिलता जुलता रहेगा, इसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का व्यक्ति है, जिसके पास इंट्रोवर्ट के भी गुण होंगे और एक्सट्रोवर्ट के भी, उसे हिंदी में हम बोलते हैं उभयमुखी, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। अगेन अगला क्वेश्चन है मर्सेनरी। मर्सेनरी वो व्यक्ति होगा जो पैसों के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है, ये लालची किस्म का इंसान, मतलब इसमें कोई एथिक्स नहीं है, संस्कार नहीं है, प्राइमरली कंसर्न्ड विथ मेकिंग मनी, मतलब पैसा बनाने के लिए ये अपने संस्कारों को भी बेच देता है, एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। अगला है टीटो टेलर। टीटो टेलर कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो किसी प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करता, ये है टीटो टेलर। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे।